रोजाना, मैं हूँ स्मिथा सिंह। मकर संक्रांति आ रही है, इसी त्यौहार को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे कि तमिलनाडु में पोंगल। तो आज के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे पोंगल और इसके बाद मनाए जाने वाले एक और पर्व, प्रथा या परंपरा की, नाम है जल्लीकट्टू। पोंगल मकर संक्रांति का ही एक और रूप है। तमिल हिंदुओं में ये प्रमुख त्यौहार माना जाता है, जिसे नवान यानी नए अन्न की फसल कटाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर साल 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में से लोग मनाते हैं। इस साल भी हर साल की तरह ही 15 से 18 जनवरी के बीच ये उत्सव पर्व मनाया जाएगा, इसका आयोजन होगा। इसे यहाँ नए साल की शुरुआत भी कहा जाता है। तो 3 से 4 दिन का पर्व तमिलनाडु में मनाया जाता है। पहले दिन अच्छी बरसात की कामना के साथ सभी इंद्र की पूजा अर्चना करते हैं। दूसरे दिन सूर्य की आराधना की जाती है। नवान्न यानी नए चावल, नए अन्न की खीर बनाकर सूर्य देव को भोग चढ़ाया जाता है। अच्छी फसल के लिए सूर्य को धन्यवाद दिया जाता है। और पर्व के तीसरे दिन यानी आखिरी दिन की जाती है बैलों की पूजा। बैलों को नहला धुलाकर, मालिश करके, पूजन करके उनका उनके साथ पोंगल मनाया जाता है। और इस दिन को नाम दिया जाता है मट्टू पोंगल। बेहतर फसल और अन्न उपजाने, धन धान्य खुशहाली के लिए बैलों के योगदान का भी धन्यवाद दिया जाता है। और फिर खेला जाता है बैलों के साथ एक खेल, नाम है जल्लीकट्टू। पोंगल के बारे में तो आप सब ने बहुत कुछ सुना होगा, जानते होंगे, लेकिन आज के वीडियो में आपको बताएंगे इस अजीबोगरीब प्रथा के बारे में, जिसका नाम है जल्लीकट्टू। ये प्रथा परंपरा तमिलनाडु में आजकल की चलाई हुई नहीं है, बल्कि 2-2.5 हज़ार साल पहले से ये प्रथा परंपरा चली आ रही है। पोंगल उत्सव के ठीक बाद जल्लीकट्टू शुरू होता है, जो अगले 3-4 महीने यानी करीब मई तक चलता है। अलग अलग मौक़ों पर, जगह जगह पर जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, जिसे लोग कभी प्रत्यक्ष तो कभी टीवी के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि साउथ में जल्लीकट्टू के लिए लोगों में ठीक वैसा क्रेज़ है जैसा देश दुनिया में क्रिकेट के लिए होता है। तभी तो आम से लेकर खास तक सब जल्लीकट्टू देखते हैं। अभी तक मैंने इतनी दफ़ा ये शब्द दोहरा दिया कि जिज्ञासा होने लगी होगी कि मालूम चले कि आखिर ये जल्लीकट्टू होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में इस प्रथा, इस परंपरा, इस खेल के बारे में विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। देश रोज़ाना के चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो तुरंत इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि नए नए मुद्दों, रिवाजों, परंपराओं की विस्तृत जानकारी वीडियोज़ के माध्यम से समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए बताते हैं आपको जल्लीकट्टू परंपरा या प्रथा क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और ये आस्था से कैसे जुड़ा हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो जल्लीकट्टू एक खेल है, जिसे इंसान और बैल के बीच में खेला जाता है। दोनों में जो जीतता है वो विजेता हो जाता है। अब अगला सवाल हो सकता है कि बैल के साथ ही क्यों खेला जाता है। तो इसका जवाब है कि तमिलनाडु के लोग बैल को शिवजी का वाहन मानते हैं, इसलिए उसे पूजनीय माना जाता है। खेतों में, कामों में बैलों का इस्तेमाल होता है। और नवान्न पर जो पर्व मनाया जाता है पोंगल, उसे मनाने के बाद आखिरी दिन बैलों की पूजा के साथ जल्लीकट्टू की शुरुआत होती है। ये परंपरा सैकड़ों सालों से यहाँ चली आ रही है, मनाई जा रही है। इस क्षेत्र में जल्लीकट्टू को गौरव और संस्कृति के प्रतीक के तौर पर भी देखा, समझा, माना जाता है। अब अगला सवाल आपका हो सकता है कि इस परंपरा, प्रथा की शुरुआत कैसे हुई होगी। तो इसके पीछे एक कथा है। कहा जाता है कि भगवान शिव का वाहन यानी उनका बैल, उसका नाम था मट्टू। शिवजी ने मट्टू को पृथ्वीलोक भेजा और कहा कि इंसानों को जाकर संदेश दो कि अच्छे जीवन यापन के लिए सभी रोज़ाना तेल लगाकर स्नान करें। लेकिन मट्टू बैल धरती पर आते आते सब भूल गया। उसे जो याद रहा वो उसने कह दिया। उसने आकर लोगों से कह दिया कि हर दिन तेल लगाकर उसको स्नान कराएं। अर्थ का अनर्थ कर देने के अपराध में मट्टू को शिवजी के श्राप का भागी बनना पड़ा और श्राप मिला कि अब वो धरती पर ही रहेगा। तभी से मट्टू धरा पर है। फिर खेती में बैलों का इस्तेमाल शुरू हुआ और वो खेती हर किसानों के लिए कृषि व्यवसाय का अहम हिस्सा बन गया। आज भी बहुत से हिस्सों में आधुनिक कृषि यंत्रों के होने के बाद भी लोग खेती के कामों में बैलों का ही इस्तेमाल करते हैं। तमिलनाडु में अधिकतर परिवारों में सक्षमता और
सामर्थ्य का बैलों को पर्याय समझा जाता है। क्यों, ये आपको आगे की जानकारी में समझ में आएगा। पहले समझिए कि बैलों और इंसानों के बीच खेले जाने वाले इस खेल, इस परंपरा का नाम जल्लीकट्टू कैसे पड़ा। जल्लीकट्टू शब्द का अर्थ, जल्लीकट्टू तमिल भाषा का एक शब्द है। जल्ली शब्द सल्ली से लिया गया है, सल्ली से इसको ईजाद किया गया है। तो इसका अर्थ और मतलब होता है सिक्का। अब कट्टू का मतलब होता है बांधा हुआ, तो इस शब्द का पूरा अर्थ या मतलब हुआ बांधा हुआ सिक्का या सिक्कों की पोटली। और यही इस खेल या परंपरा में होता है। बैलों और इंसानों के बीच होने वाले खेल के नियम के तहत बैल के सींग पर कपड़े में सिक्के बांध देने की प्रथा थी। जो भी व्यक्ति बैल के सींग में बंधे हुए सिक्कों की पोटली को खोल लेता, निकाल लेता, इसमें सफल होता तो वो विजेता बन जाता। उसे बतौर इनाम वो सिक्कों की पोटली मिल जाती। वही जल्लीकट्टू के बारे में आपको आगे जानकारी दूं, उससे पहले बता दूं कि कुछ साल पहले ये खेल यानी प्रथा तमिलनाडु में काफ़ी सुर्खियों में रही थी। वजह थी इस खेल पर बैन। पेटा इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। तो तमिलनाडु में जब खेल पर प्रतिबंध लगाया गया तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस खेल के समर्थन में इस बैन का विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन क्यों लगाया है, ये प्रतिबंध हटा दिया जाए। बैन के विरोध में हुए जनमानस के प्रदर्शन को उस वक्त नेशनल लेवल पर काफ़ी सुर्खियां मिली थी, खबरों में ये खबर रही थी। उस वक्त ये बैन लगा था पशुओं के अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए। हालांकि बैन का विरोध जब प्रदेश भर में हुआ तो रजनीकांत, कमल हसन जैसे सेलेब्स ने भी प्रथा यानी इस खेल का समर्थन किया था और इसे संस्कृति का, परंपरा का हिस्सा बताया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि चोट से बचने के लिए खेल के लिए नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन किसी संस्कृति को अस्वीकार करना सही नहीं है। उस वक्त सीएम ने पीएम से इस विषय को लेकर मुलाकात, बातचीत भी की थी, लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो अध्यादेश के मामले में केंद्र ने राज्य का समर्थन देने की बात कहकर चुप्पी साध ली थी। फिर तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से खेल जारी रखने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की और साल 2016-17 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके कुछ शर्तों के साथ जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति दे दी, हरी झंडी दे दी। खेल की शर्तों के तहत पूरी प्रतियोगिता की वीडियोग्राफी, बैलों का मेडिकल टेस्ट, मौके पर डॉक्टर्स की टीम, डीसी और एसएसपी की मौजूदगी, ये सब चीज़ें ज़रूरी कर दी गई। खैर, बात पुरानी हुई, सुर्खियां ठंडी हुई और प्रथा परंपरा बरकरार है, क्योंकि ये तमिलनाडु की संस्कृति का, परंपरा का हिस्सा है, पारंपरिक रिवाज या उत्सव है। पोंगल से 1.5-2 महीने पहले तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में इस प्रथा परंपरा को निभाने, इस खेल को खेलने के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। न सिर्फ मंदिरों को सजाने की तैयारी की जाती है, बैलों के दौड़ाने वाली जगहों को भी दुरुस्त किया जाता है, मरम्मत करके बेहतर बनाया जाता है। बाकायदा बैलों को भी खेल के लिए ट्रेंड किया जाता है, उन्हें अच्छे से अच्छा खान पान दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी की होगी कि यहाँ जल्लीकट्टू में भाग लेने वाले बैलों को भी लोग प्रोटीन पाउडर, खजूर, मेवे आदि खिलाते हैं, स्प्राउट्स खिलाते हैं। उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए बढ़िया वाली डाइट बैलों को दी जाती है, उन्हें एक्सरसाइज कराई जाती है, वॉक कराई जाती है। बैलों को स्वस्थ रखने के लिए, वो ठीक हैं या नहीं इसके लिए उनका मेडिकल फिट होने के लिए जांच तक कराई जाती है। बाकायदा पशु चिकित्सकों को बुलाकर उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और यदि बैल अनफिट होता है तो उसे खेल में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जल्लीकट्टू शक्ति, सामर्थ्य और सहनशीलता का ही खेल माना जाता है। यहाँ एक और खास बात, जल्लीकट्टू खेलने के लिए साधारण नहीं बल्कि खास नस्लों के बैलों का चुनाव किया जाता है, जैसे पलीकोलम, कागोमे, उपडाचेरी, आमलबाड़ी नस्लें इसमें सबसे ज़्यादा महंगी नस्लें हैं जो बैल की नस्लें मानी जाती हैं। पलीकोलम इन सभी नस्लों में बैलों की सबसे कीमती महंगी नस्ल है, जिसके बैल 1-5 लाख रुपए के बीच तक आते हैं। बैल का जीवन 15 साल का होता है और इन नस्लों का स्वस्थ बैल अपने पूरे जीवन काल में जल्लीकट्टू का हिस्सा बना रहता है। और सबसे अहम बात ये कि जो बैल जल्लीकट्टू खेलता है उसे कोई और काम बिल्कुल नहीं कराया जाता, ये सिर्फ जल्लीकट्टू के प्लेयर होते हैं, जीते हैं तब तक सिर्फ जल्लीकट्टू ही खेलते हैं और पूरे साल आराम फरमाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि इन ताकतवर बैलों को तैयार करना भी यहाँ एक अच्छा रसूखदार होने जैसा होता है, जिसका बैल जितना ज़्यादा बार इस खेल को खेलता है, विजेता बनता है, उसकी कीमत हर जीत के साथ उतनी ही बढ़ती जाती है।
ये बैल ऐसे ट्रेंड किए जाते हैं कि उनके मालिक के अलावा कोई दूसरा उन्हें टच भी नहीं कर सकता। यही एक बड़ी वजह है कि इस खेल के दौरान हर साल कई मौतें भी हो जाती हैं। वैसे जैसे बैलों को ट्रेनिंग दी जाती है, तैयार किया जाता है, ठीक उसी तरह खेल में हिस्सा लेने वाले इंसानों के लिए भी तैयारी की जाती है। बैलों को साधने की ट्रेनिंग वो लोग भी लेते हैं और फिर जल्लीकट्टू में भाग लेते हैं। मौजूदा समय में जल्लीकट्टू खेलने के जो नियम हैं उनके मुताबिक मैदान में एक एंट्री गेट होता है जहां से बैल को अंदर छोड़ा जाता है। मैदान में खड़े खिलाड़ी बैल को काबू करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और अपने अपने शक्ति सामर्थ्य आजमाते हैं। अब इस बैल को जो भी व्यक्ति, जो भी खिलाड़ी 15 मीटर के दायरे में 15 से 20 मिनट में काबू कर लेता है और 15-20 मिनट उसे काबू करके रखता है तो वो इस खेल का विनर या विजेता हो जाता है और इनाम भी पाता है। लेकिन अगर इस दौरान बैल वो दायरा तोड़कर आगे निकल जाता है तो विनर हो जाता है बैल और उसे भी इनाम मिलता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का इतना क्रेज़ है कि मैदान को घेरे दर्शकों से अलग टीवी स्क्रीन के आगे भी हुजूम उमड़ा रहता है खेल का लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए। खेल की बाकायदा लाइव कमेंट्री होती है, खेल में लोगों की मौत तक होती है, लेकिन फिर भी इसका इतना क्रेज़ है कि खेल के प्रति आस्था आज तक बरकरार है, अभी तक बरकरार है। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी दिलचस्प जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोज़ाना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे यूट्यूब परिवार का विस्तार कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।